हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। जेसीआई द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित 100 फीट ऊंचे भारतीय झंडे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा, एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है गोरखपुर शहर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी द्वारा समर्थन वापस लेने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, देश हित में लिया गया समर्थन वापस। नशीली दवा खिलाकर लोगों का सामान लूटने वाले 5 युवकों को घोरावर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने किया खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के दिए निर्देश। जीडीए द्वारा निर्माणाधीन नुमाइश पार्क और जिट्टी के सुंदरीकरण कार्य का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कार्य में प्रगति लाने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में चल रहे साप्ताहिक राष्ट्रीय योग कार्यशाला 5वें दिन भी रहा जारी। वक्ताओं ने योग एवं महायोगी गोरक्षनाथ विषय पर डाला प्रकाश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई तहसील समाधान दिवस, 145 मामलों में से 7 का मौके पर हुआ निस्तारण। अपनी लंबित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने काली पट्टी बांध कर दिया धरना। 3 जुलाई से कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे और अंतिम दिन आयोजित हुई महानगर के 38 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा। कांग्रेसियों ने केक काट कर धूमधाम से मनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष का 48वां जन्मदिन, ये लंबी उम्र की कामना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला क्षय रोग जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बकाया भुगतान के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रेरक संघ का धरना 2 दिन भी रहा जारी। बकाया मानदेय को लेकर परिषदीय अनुदेशक संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार से शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा जटाशंकर गुरुद्वारे में मंगलवार को 15वें रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और गोरखपुर अंडर 12 क्रिकेट लीग में गौतम बुद्ध क्रिकेट एकेडमी ने TNM क्रिकेट एकेडमी को 91 रनों से हराया।